आपको पता है दोनों जो मीडिया वाले है ना, कोई भी छोटी सी बात होती है उसको उछाल उछाल के इतना बड़ा बना देते हैं, तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। प्लीज वीडियो कहीं तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा चैनल है ना जिसको डिटेल में, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज के वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए स्पेशल वीडियो में, जहां हम आपके सामने पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया के बीच एक कभी न खत्म होने वाली टक्कर पेश करेंगे, इन दो पक्षों के बीच की जुगलबंदी दिखाएंगे। मोदी साहब, आपको लाख बार समझाया है लेकिन कब समझ में आया है, शोर शोरों से ना खेलो जल जाओगे, तमीज से बात करो अपने पापा से। बारूद से ना खेलो नेस्तो नाबूद हो जाओगे बेटा, मस्ते नहीं। बारूद से ना खेलो नेस्तो नाबूद हो जाओगे। इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। हर बार आते हो बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अब्बू जी से इज्जत से बात करते बेटा। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद उबूर करने की गलती हमने कर ली, गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा एनकाउंटर। इसके अलावा बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया खुद के साथ साथ अपने देश का भी मजाक बना लेता है जब वो इंडिया और इंडियन मीडिया से पंगा लेता है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे, और मुसलमानों की जाने बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। आसाम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, वो पाकिस्तान का संगठन बहुत जबरदस्त है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। Meanwhile, पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, जानबूझ के इंडिया में ना उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हम ऐसा परमाणु बम मारेंगे जो मुसलमानों को छोड़ के गिरेगा। भैया परमाणु बम को पता है कि हिंदू एक मुसलमान है, सबको मारेगा मारे। अजब हाल है, गधा क्या बोलता है कि हम टेक्टिकल मिसाइल मारेंगे। भैया टेक्टिकल मिसाइल की दूरी बहुत कम होती है, मारोगे तो इस्लामाबाद से लाहौर में आगे गिर जाएगा। एक गधा जैसा। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान का। सूरत हाल बहुत ही खूब तरीके से आपको नाना पाटेकर बताएंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जब पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खुद इज्जत नहीं है, हम कैसे इज्जत करें, हम क्यों जाए ऐसे बेइज्जत मुल्क में। गजब बेइज्जती है। मुनालम आपके लिए था खास। वो बोले नहीं। कैसी लगी आगे स्वाद। दो देशों के बीच सोशल मीडिया में होने वाली इस फनी वॉर का आनंद उठाइए, जहां सोल्जर्स की जगह ले रखी है न्यूज एंकर्स ने। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। गेम सिर्फ एक मिनट की है, एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। आर यू कॉमेडी जी। हतफ नसर अब्दाली शाहीन गजनवी गौरी और अबाबील, ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। तो हमारे पास क्या है भाई, दिवाली के लिए रखा है क्या? घर में घुस के मार। और पाकिस्तानी मीडिया वाले तो ऐसा एंटरटेनमेंट कराएंगे आपका जिसकी कोई हद ही नहीं। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे फिर हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। इंडिया की तरफ से भी इन न्यूज एंकर्स को तगड़ा जवाब मिल ही जाता है। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भाई आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव डोंट गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ अनोखी ही चीजें देखने को मिलेंगी आपको।
आप उन लोगों में से हैं। शट अप शट अप और शट अप यू शट अप तुम मेरे बॉस हो यू आर माय वर्कर। पाकिस्तानी आवाम, वहां की आम जनता और टीवी की ऑडियंस में भी एक अलग ही लेवल की खुराफाती भरी है। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, दो तीन दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? मुझे टट्टी नहीं आ रही। तुम्हें कब से क्या? अच्छा आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। तीन दिन हो गए। हाँ वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब दो तीन दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है जब इंडिया की एक अनाम मिसाइल ब्रह्मोस टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंटली पाकिस्तान के एक इलाके मियां चन्नू में जाके गिरी थी। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना है कोई ड्रोन अटैक हुआ है? तो वहां के न्यूज एंकर्स भी कम नहीं है, अपना ही राग अलापने लगे। भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय फौज को मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता। भारत का नाकारा मिसाइल सिस्टम कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। इसे भी वाहवाही लूटने का एक जरिया बना लिया उन्होंने। कहने लगे कि पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल को मार गिराया। भारतीय हदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? क्या बोला तूने? और से गिराया मैंने। और से गिराया। जबकि उन्हीं की सेना ने ये माना कि वो मिसाइल आकर खुद गिरी थी। एंड वायलेटेड पाकिस्तान्स एयर स्पेस अल्टीमेटली फॉलिंग नियर मियां चन्नू। तो ये तो है वहाँ की फेक न्यूज और बेशर्मी की हाइट। DGISPR ने भारत को चैलेंज किया कि आए पाकिस्तान की फजाई हदूद में 21 मिनट रहकर तो दिखाएं। पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। बात नहीं बनी तो देखिए कैसे वहाँ के न्यूज एंकर्स भारत को खिसियाते हुए वार्निंग देने लगे। और पाकिस्तान की फौज हर वक्त तैयार है आपके दांत तोड़ने के लिए। इसलिए कभी ऐसी हरकत अब मत करें। अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो हम इनका जवाब पत्थर से दें। तो इस पे इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया वाले कैसे मजे नहीं लेते। इस पे भी एक से एक मीम्स बनाए गए। इनसे ये मिस फायर हुआ है या फायर किया उसके वजह से कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पुअर और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम इनके इन मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के एक एक इंच एरिया जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, जानबूझ के दिया है, गलती से नहीं हुआ। जली ना, जली ना। कॉमेडी और बेशर्मी की बातें हो रही हैं, तो अब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन हैं जो बहुत बड़े कॉमेडियन साबित हो जाते हैं अक्सर जब भी वो कुछ करने को जाते। एक बार आप इनकी हरकतें देखिए। अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है। हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास हर तरह का मसाला है। आप आए सही। ये बेकरतूते झूठे नलायक निकम्मे निकट्टू चोर खाइन बददियानत अल्लाह के नबी के नामों से रसालत के दुश्मन, इन पे मैं 101 करोड़ मर्तबा लानत भेजता हूँ। इनका भी हाल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा होता है, जिन्हें कोई सीरियसली लेता ही नहीं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। ए प्लस बी समझती है ना? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आठवीं में मैंने पढ़ा था। मीडिया को दिए गए इनके इंटरव्यूज देख आपको पता चल जाएगा कि ये किस लेवल के प्राणी हैं। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाओ आधा पाओ का भी बम है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया खुद भी मजे लेता है। देखिए पहले तो बात करेंगे शेख रशीद साहब की। अब शेख रशीद साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है जो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कह सकते वाले पॉलिटिशियन है, इनकी बात को दिल से नहीं लेना चाहिए। तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, अगली बार मारेगा ना मुझे, मैं तुझे देख लूंगा। या तो चल तुम्हारे इसको मैं तेरे पीछे करूँ, मार तो इसको मैं तेरे पीछे करूँ। देखिए ऐसे कोई डिफेंस होता है ऐसे? हाँ पॉलिटिकल बयानबाजी थी, कुछ इधर उधर नंबर बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनका सबसे फेमस वायरल वीडियो देखिए, जहाँ इन्होंने जैसे ही भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलना शुरू ही किया था कि इन्हें खुद ही करंट लग गया। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस कश
करंट लग गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा रस का। और इसलिए फिर इंडियन मीडिया भी इनको नहीं बख्शता, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। खास करके रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या तो शेख रशीद के ऐसे मजे लेते हैं जैसे कोई नहीं ले सकता। एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इतना बड़बोला किस्म का आदमी है, ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 इयर्स, इसमें 2 रुपए की मैच्योरिटी नहीं है। उठते ही क्या बोला, रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ शेख रशीद बेवकूफ है, सबको पता है, वो खुद शेख रशीद प्रूफ करते रहता है। मंदिर में घंटियां, एक तो मंदिर होता है यार रशीद साहब, शेख रशीद साहब मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। शेख रशीद भटकड़ाई, शेख रशीद कहता है कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, बस उसका ये है कि बिरला कोई बिरला मंदिर है, पता नहीं कौन से बिरला मंदिर की बात करता है, कहता है घंटियां नहीं बजेंगी मंदिर में, वो ऐसे ना मोहल्ले में कुछ कुछ पता नहीं कैरेक्टर। अब आते हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स पे जो खुद अपने ही देश को ट्रोल कर डालते हैं। फलानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है क्या, बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो, आपके अपने हालात क्या है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस आपकी मिल नहीं रही है, मसला ये है कि बैंकिंग सिस्टम डूब चुका, खुद को भी ट्रोल करते हैं। मेरे जैसे मिडिल या अपर मिडिल क्लास लोग बिजली के बिल से घबराते हैं, महाना खर्चों से घबराते हैं, बीवी से डांटे खाते, अपने ही देशवासियों की छिलाई करते हैं। वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है, गौर से देखो जरा, अरे ये तो यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, नफ्सियाती हुदूद भी पार कर रहा है। मिमिक्री कर करके खुद पाकिस्तानियों को रोस्ट करते हैं। घोड़े पे बैठ के टन टन दुनिया भर से पंगे लेना प्रोग्रामों में अच्छा लगता है, कि मैंने यूं कर दिया, मैं यूं तलवार मारूंगा, मैं मुंह पे मारूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई ये सब बातें अच्छी होती हैं, लेकिन ये अवाम की कंजम्पशन के लिए तो, लेकिन हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना गए, वाह वाह वाह, हमने खुद को बेवकूफ बना लिया। पाकिंग दोची छूशा टूटा पोपा चोचा, एक तो छोटी चीज को बनाता नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आप बोल रहे हो कि आप दुनिया के अजीम तरीन कौम हो, तो आप क्यों भीख मांगते हो इनके आगे, फिर क्यों भीख मांगते हो? ये आ गया ये बंदा, जो बाइडन साहब प्लीज आप कॉल कर ले सर, यकीन करें रातों को जागता हूँ आपके, ना ब्लू टिक आते हैं ना सर आपका फोन आता है, आई लव यू जो बाइडन, प्लीज पाकिस्तान को फोन कर लो डॉलर। देखिए नाज़रीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को ये कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार देखा ही आपने कितनी मजेदार वीडियो थी, बहुत मजा आया। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों काफी ज्यादा बिल्कुल फनी वीडियोस आपको पता है होती है जो बिल्कुल, और हमारे जो है ना क्या नाम है शेख रशीद, वो तो पता नहीं यार क्या चीज है, मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आती। एक दफा ना मैंने देखा कि शायद ऐसे ही होती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह से बैठे होते हैं जलसे वगैरह में, तो वहाँ पे ना बिरयानी में से लेग पीस निकाल के खा रहे, मतलब सबके सामने सब लोग इसको देख के हंस रहे, कोई मतलब होता है ना तमीज़, एक होती है लिहाज, शर्म होती है, कोई देखने से पता चले यार एक बंदा पॉलिटिशियन है, इसमें कोई ना कोई मतलब उसकी हरकतें इस टाइप की तो वो लगे, लेकिन इनकी कोई हरकतें नहीं। हम पाओ पाओ किलो के भाई हम बॉम्ब मारेंगे, हमारे पास छोटी गोली भी, हमारे पास बड़ी गोली, वो वैसे ही आपको पता है कि फनी वे में ना तकरीरें वगैरह करते हैं, जरा लोग भी एंटरटेन हो जाते हैं उनसे ना इनकी बातों से। नहीं ये क्या कॉमेडियन है जो ये लोगों को एंटरटेन करेंगे इस तरह से, तो दुनिया देख ले अभी मजाक बना रही है ना, कभी किसी और कंट्री में तो नहीं सुना वो बोलते हैं छोटा मसाला भी है बड़ा मसाला भी है, हमारे पास पाओ पाओ किलो के वो जो है बॉम्ब है, यार ये कैसा मतलब अजीब बंदा है, इसको कोई मतलब है नहीं इलम और इसको पॉलिटिशियन रख लिया हुआ है, ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता। एक तो जो इंडिया में राहुल गांधी उनको नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे शेख रशीद और एक दो और या उनको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फील्ड मुझे नहीं लगता उनके लिए बनी हुई है, वो आगे जो मर्जी बोलते रहते हैं और फिर लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लोग इन्जॉय भी इनकी वाली मीम्स करते हैं सोशल मीडिया पर, इंडियन पाकिस्तानी सारे लोग ही देखते हैं, तो फनी वे में आपको पता है कभी कभी क्या ज़्यादातर भी हो ही जाती है तकरीरें वगैरह जब भी करते हैं या वैसे किसी चैनल पर बैठे होते हैं ना शोज़ में, तो वो फिर वायरल हो जाती है
चीजें फिर लोग उनको देखते हैं बार बार और यूज करते हैं तो काफी ज्यादा ये इनकी जो अभी दिखाई है शेख रशीद की ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और इंडियन खासतौर पर इसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं और मेजर साहब की भी ये वाली ना वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें बोलते हैं मंदिर की घंटियां बजेंगी मंदिर की घंटियां बजेंगी मतलब वो बोल रहे हैं कि बोलना भी नहीं आता ये अजीब किस्म का बंदा है हालांकि इस तरह की बयानबाजी मुझे नहीं लगता करना चाहिए किसी के भी मजहब पे लेकिन वो बोले हम ऐसे बॉम्ब फेंकेंगे कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बच जाएंगे और जो हिंदू हैं वो सब उड़ जाएंगे कैसा मतलब लॉजिक कैसा है ये कैसे सोच लेते हैं ये सोच कैसे आ जाती है मुझे समझ में नहीं आती। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।